गुड इवनिंग है, आफ्टरनून है, मैं पागल हूँ। दोपहर का 3:30 करीब बज रहा है और मैंने जैसे स्कूल से आने के बाद स्कूल से आने के बाद जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मुझे थोड़ा सा ना भूख जैसी नहीं लग रही थी, अजीब सा हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तो ही वॉज सेइंग टू कि आप मतलब उनको भी ऐसा ही हो रहा है, मतलब ओनली मुझे नहीं हो रहा है, उनको भी हो रहा है। देखो नोबी की हरकतें दिखाओ, देखो कहाँ अंधा होया पड़ा है, मतलब मैं यहाँ तक ही तो यहीं आएगा, इसको पहले कैमरे में जाना है। तो जो पहले कैमरे में जाना है ना, वो देखो सीजू का कैसे खेल रही है टॉय से अपने से। क्या होगा बच्चा, तो फिर ना मैंने क्या बोलते अब मुझे ना मैं लेटी नहीं वीडियो अपलोडिंग पे लगाती ज़्यादा, पर आज का वीडियो भी नहीं था, तो मैंने सोचा अब चलो एक काम करते हैं कि जो पुलाव है उसका मन कर रहा था खाने को, मैंने कहा चलो कर लेते खा लेते हैं। एंड मैं एक बात बताऊँ ना, मैं और भी ब्लॉगर्स को देखती हूँ, बट मैं कभी सोचती हूँ लास्ट चलो इनमें कुछ खास बात है तो इनके जैसे ट्राई करूँ, बट मुझसे नहीं होता क्योंकि मेरा दिखाना बोलना करना सब कुछ एक अलग है मेरा, मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की जैसी दिखूँ, मैं एक अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। और सीरियसली गाइस मैं अपनी ही एक पहचान बनाना चाहती हूँ, ये मेरा एक अरमान है। मेरा कोई मुझसे पूछे ना मेरा ड्रीम क्या है, तो मेरा ड्रीम ये है कि मैं एक बहुत अच्छी सी एक बहुत बड़ी पहचान बनाऊँ कि लोग मुझे पहचाने, मैं घर से बाहर निकलूँ, अब वो हो ये करें, मुझे ये करना है अपनी लाइफ में। बस भगवान ने साथ दिया और आप लोगों ने साथ दिया तो ज़रूर होगा, एंड आई नो आप लोग मुझे बोलोगे हाँ ट्विंकल ज़रूर होगा, मुझे पता है आप लोग बोलोगे मुझे। सो मैं अभी फ़िलहाल ये जब होगा तब होगा। सो एक चीज़ मेरे को ना ये नहीं होता मेरे से कि मेरे से कोई कॉपी नहीं करा जाता, और मैं जा रही हूँ अपने स्टाइल में, अपना जो मेरा बना हुआ है खाना उसको थोड़ा सा और मतलब अलग सा बनाने का। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मैं पहले कर चुकी हूँ वैसे, चलिए मैं दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए चार चीज़ें ली हैं, ये तो मेरा पुलाव है जो मैंने बना के रखा था, यहाँ पे है फनफ्यूड वेज मेन्यूज, और यहाँ मुझे एक बार किसी ने कॉमेंट किया था कि आप ना ये नॉन वेज वाली खा रही हो, तो भैया मैं अंधी नहीं हूँ और इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ कि पढ़ी लिखी हूँ ना हूँ, चलो कोई बोले ना बोले, लेकिन ये साइन होता है ना इससे पता चल जाता है। ठीक है, ये है अमूल का बटर, ये है हमारा सॉस टमाटो केचप, और ये हमारा ये रेड सोया सॉस। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगी, एक पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है, तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ से ये बटर लूँगी, बटर को डालूँगी, तो ज़्यादा तो नहीं थोड़ा सा लूँगी। ठीक है, एंड गैस को एकदम धीमा कर दूँगी क्योंकि ज़्यादा हो गया है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी फन फूड मेयोनीज ऐड कर दूँगी इसमें, मुझे ये सब करके खाने में बड़ा मज़ा आता है सच बताऊँ, क्योंकि मेरा टेस्ट ना एक अलग है, मेरे हस्बैंड से मेरा टेस्ट बहुत डिफरेंट है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का टेस्ट अलग है। उनको ना सिंपल सा खाना पसंद है, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी तो नहीं बोलेंगे पर चटपटा सा खाना पसंद है, ज़्यादा तीखा नहीं लेकिन अलग अलग सा, ये जैसे मान लीजिए जो पिज़्ज़ा में टेस्ट आता है वो टाइप चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है, तो पास्ता पिज़्ज़ा ये चाइनीज़ चीज़ बनाना, तो आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ पुलाव। ठीक है, सो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपना टमाटो केचप, सो हमारा टमाटो केचप भी रेडी है, इसमें डल गया और इसको मिक्स कर लेंगे। ये ऐसी चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ बहुत ज़्यादा, एंड इसके बाद मैं अपना पुलाव डालूंगी इसमें, ये पुलाव ऐड हो गया। और आपको एक चीज़ बता दूँ, पुलाव में मैंने यहाँ पे डाल रखा है गाजर मटर आलू प्याज और शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं, और इसको मिक्स कर देंगे सारी चीज़ें, तो मसाले में पुलाव बना हुआ है तो नमक वगैरह नहीं करेंगे, बाकी का थोड़ा बहुत इसमें बटर में होता ही है, एंड ऊपर से मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, और अब इसको मिक्स करूँगी।
आप चाहें तो सोया सॉस ना हो तो आप लेमन भी कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा ना खट्टापन का टेस्ट आ जाता है। और ये हमारा बन के रेडी है। इसमें आप चीज़ भी डाल सकते हैं, इसमें आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप इसमें ऐड करके खा सकते हैं। सो चलिए हम लोग इसका खाते हैं। 2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ऐसी गैस पे ताकि अच्छे से सारी चीज़ पक जाए। सो बन चुका है हमारा और मैं थोड़ा सा मैंने सॉफ कर लिया है, इसमें थोड़ा सा ना खा के देखती हूँ कैसा बना है, क्योंकि मुझे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बनाने में खाने में बहुत यम्मी है। अगर सच में बता रही हूँ, अगर ख़राब होता ना मैं कभी नहीं बोलती। अगर आप लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है, पास्ता चीज़ पसंद, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, अगर आपको पिज़्ज़ा पास्ता और ये बर्गर या सब्बे ये सारी चीज़ अगर आपको पसंद है ना, तो इस तरीके से आप ये जो खाएंगे ना चावल मतलब पुलाव, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उन चीज़ों का इसमें फ्लेवर आ जाता है। सैंडविच हो गया, ये सारी चीज़ों का फ्लेवर आ जाता है इसमें, बहुत यम्मी लगता है। एक बार ट्राई करके ज़रूर खाना ये वाली चीज़। और पीछे से ना थोड़ा सा विनेगर भी डाल लेना अगर हो आपके पास तो, है ना, बहुत ही यम्मी है बहुत। सच में खराब होता ना मैं तुरंत रिएक्शन करती खराब होना। मैं ख़त्म कर ले रही हूँ, फिर मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रात को मैंने चने भी बो दिए थे। मैं चने इनको अच्छे से वॉश करने के बाद इनको बॉयल करने रखूँगी मैं। चले रख देते हैं इनको, सुबह का अच्छा नाश्ता, अच्छा ब्रेकफास्ट माना जाता है चना। मैंने रख दिया इसमें, मैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग मतलब अपने अकॉर्डिंग नमक रख देंगे इसमें हम, और इसमें थोड़ा सा एक पिंच करीब मैं यहाँ पे खाना सोडा डालूंगी। खाना सोडा आप भिगोते टाइम भी डाल सकते हैं और बनाने के टाइम, दोनों टाइम में डाल सकते हैं, बट एक एक पिंच बस, ज़्यादा नहीं। और ढक्कन बंद कर देंगे। अब मैं इस पे एक फुल पे सीटी लूँगी और 2 स्लो पे लूँगी इस पे सीटी, और आराम से ये हो जाएगा। गाइस एक फुल पे सीटी लिया है और एक मैंने जो है 2 स्लो पे लिए हैं, और मैं इनको डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हाथ से तोड़ के दिखा देती हूँ, हल्के से प्रेस करने पे ही फूट जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं मेरे। अब मैं इनको टैनी के टिफिन में लगा दूँगी कुछ ठंडे होने के बाद, एंड अपने लिए बाद में फ्राई करूँगी। मॉर्निंग ऐसे देखिए मैंने इस तरीके से निकाल के इनको रख दिया है, मतलब पानी इनका पूरा निकल जाएगा, टैनों को टिफिन में लग जाएंगे, ठंडे भी हो जाएंगे, थोड़े से मैं भी खा लूँगी। मैं अपने लिए फ्राई करूँगी तो करूँगी, नहीं तो ऐसे ही मैं खा लूँगी। कच्चे चने भी सिर्फ पानी के बॉयल किए हुए चने भी बहुत ज़्यादा यम्मी होते हैं, यम्मी लाइक टेस्टी होते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, मैं फर्स्ट चाय पी रही हूँ, क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है मेरा चाय में, तो आज मैं अभी लेट चाय पी रही हूँ। अभी टैनी को, आज हवा चल रही है यहाँ पे, कल रात से ही बहुत ज़्यादा हवा चल गई थी अचानक से, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अब है ना टैनी को आज ना नहलाऊँ, क्योंकि हवा बच्चे को परेशानी दे सकती है और ये उतरती हुई सर्दी है, तो मेरी बेटी को परेशानी हो, उससे पहले मैंने उसको नहीं नहलाऊँगी। और मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मुझे अपने और भी काम करने हैं, टैनी को रेडी करना है, और नहलाऊंगी नहीं मतलब उसको स्पंज दे दूंगी पूरे बॉडी पे। और ये देखो इसको मैंने दिया है काजू खाने को, काजू और बादाम, कैसे नौटंकी करके ली थी। क्या हो गया, क्यों नहीं खा रही हो, क्यों नहीं खा रही हो, सारे लोग क्लैपिंग करेंगे, बैठ के खाओ, बैठ के, लेट के नहीं खाते है ना, गुड गर्ल है ना मेरा। आप लोग टैनी को लिए क्लैपिंग करना ठीक है, टैनू सारा फिचिन कर देती है ना, देनो आप किचन का देती हो ना। सो चलिए मैं ना कर लेती हूँ, फिर आके मैं आपसे ना एक बात शेयर करूंगी, ठीक है। बाय सानू, बाय, ओए सानू, बाय। शाम को आ जाइयो, नहीं आ रही है, नहीं आ रहे वो छोटी है, डिग्गी है, मैडम ट्रेनिंग दे देना, मैडम मैडम ट्रेनिंग दे देना, लर्निंग लर्निंग।
ठीक है मैडम। देख नोबी इधर से देख रहा, पीछे से नोबी पीछे से देख रहा तुम्हें, एक आंख से टके जा रहा है। बाय सानू। ओए सानू आप लोगों ने देखा ऐसे, एक्चुअली वो आई थी, इनके जूते आए थे ऑर्डर करके, इनके मेरी ननद के नहीं मेरे हस्बैंड के शूज आए थे, तो एक और मंगाए थे। एक्चुअली वो जो पहले मंगाए थे वो वाइट थे और इतना जल्दी उनका गंदा हो जाता है, उनका काम बहुत रहता है, तो एक ही शूज पहन के काम करना कि तो वो पहन ही सकते, क्योंकि देखिए वहाँ पे ना भारी भारी सामान भी रहता है, और भारी भारी सामान के साथ साथ ना अगर उन्होंने मान लीजिए पैर पे गिर गया तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो ना कीटो नहीं पहनते, मतलब सैंडल वगैरह ये सब नहीं पहनते। सैंडल हम लोग तो उनको आदमी लोगों के भी सैंडल बोल देते, पर ये लोग कीटो बोलते हैं, तो वो इसलिए हम लोग नहीं, मतलब ये नहीं पहनते। तो एक और मंगाया इन्होंने, तो वो अभी आया, लेकिन ये है नहीं है, तो इन्होंने बोला कि भैया आ रहे हैं तुम भैया को दे देना, मतलब वो भैया ले जाएंगे, तो ये आई थी लेके गई, अभी वो दे देंगी तो वो ले जाएंगे, तो जो भी है इन लोगों का है छोड़ो। सो मैंने गर्मी फिर से यहाँ पे, मतलब सुबह में ऐसा लगा था हवा है तो शायद ठंडा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे टहने के लिए, मतलब एक अपने लिए एक टहने के लिए डाब लिए हैं, दो डाब, और सारा घर क्लीन है, आप देख सकते हो मेरा पूरा क्लीन है, किचन एंड ऑल। मैं जो मेरे ओनर है मैं उनको बोलने वाली हूँ कि यार प्लीज़ इसमें बोर्ड लगवा दें, कैबिनेट लगवा दें, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। वो वाला जो एरिया है ना वहाँ पे बड़ा कॉकरोच, मैं इतना क्लीनिंग करती हूँ, आप लोग खुद देखिए यार, मैं आपको बैक से दिखाती हूँ, पूरा क्लीन करके रखा है, बट ये जो है ना साइड, ये साइड में, ये इन चीज़ों की वजह से ना कॉकरोच इनमें आते हैं। और उधर पे देखिए मैं डस्टबिन की जो थैली वगैरह वो एवरी डे उसका कूड़ा फेंक के क्लीन करती हूँ, बट ये दीवार जैसे थोड़ी सी गंदी है ना, और वो कॉर्नर है वहाँ पे वैसे वो ना काला काला भर गया है वो सब, ये सब पता नहीं क्यों है। मैं जितना मेरे से होता है मैं उतना क्लीन पूरा करती हूँ, इधर का भी सब कुछ क्लीन रखती हूँ, अब जितना है उतना ही क्लीन। वो जब सब धब्बे लगे हुए हैं इसमें, मतलब या तो पेंट हो जाए अच्छे से और वहाँ पे वो सब कैबिनेट से बन जाए ना, तो भी बहुत अच्छा लगेगा किचन। सो देखिए किचन पूरा क्लीन है, और देखिए घर भी पूरा मेरा क्लीन है, मैं गंदगी रखती नहीं हूँ, फिर भी वो मैंने बताया जैसे कि नाली की वजह से कॉकरोच आ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, जैसे हम मान लो दिन भर में कचरा तो डालेंगे ना उसमें, तो वो आ जाते हैं। और घर भी मैंने आप पूरा देख सकते हो, पूरा नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ, यहाँ तक कि बालकनी एंड ऑल, ठीक है, ये देखो पूरा क्लीन है, पूरा का पूरा क्लीन है ना। तो पूरा क्लीन होने के बाद भी ऐसा होता है तो मुझे ना बड़ा चिड़चिड़ होती है कि क्या, तो मैं उनको बोलने वाली हूँ शायद ऐसा करें। चलिए आज मैं ना एक बात बताऊँ आप लोगों को कि बिग बॉस तो खत्म हो गया, बिग बॉस में हमारे सीट जीत गया, और सीट नहीं मिली तो श्रीनाज जीते हैं, और क्योंकि अभी भी बिग बॉस खत्म होने के बाद भी श्रीनाज का जो क्रेज़ है वो लोगों के सर से नहीं उतरा है, और जैसे कि नया शो स्टार्ट हुआ है मुझसे शादी करोगी, उसमें भी सेम चीज़ें हैं, मतलब घर में एंटर करना है, वो भी बिग बॉस का ही घर है, वो भी चेंज कर दिया गया है, तो बिग बॉस का ही वो जो पूरा उसमें दिखाया जाएगा उसी तरीके से। एंड सिडनाज जब साथ में आते हैं बड़ा क्यूट लगते हैं, मेरी फेवरेट है शहनाज गिल और सिद्धार्थ, उन दोनों की जोड़ी ना मुझे बहुत पसंद है। अब देखते हैं ये नए शो में क्या होगा, कौन कौन देख रहा है न्यू वाला शो मुझे कमेंट में बताना, और जो नहीं देख रहे हैं ना देखो, वो भी सेम बिग बॉस जैसा स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज देखिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, मतलब एवरी डे देखती हूँ, रात को 10:30 बजे स्टार्ट होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसमें बीच बीच में सिद्धार्थ की एंट्री कराते हैं शहनाज, और उसमें मतलब नाम तो ये है मुझसे शादी करोगे, बट मुझे लग वो बिग बॉस जैसा ही रहा है, तो देखते हैं क्या धमाल होने वाला है उस सीरियल में, है ना। और जब भी सिद्धार्थ और वो आते हैं ना पास में, बड़ा क्यूट मोमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट लगता है, क्योंकि उससे बढ़ के कोई मोमेंट ही नहीं ऐसा लगता है सच में। मुझे कभी उन दोनों को जब पास आते हैं, जब शहनाज इमोशनल होती है तो मुझे भी इमोशनल, मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ उन लोग के साथ, मुझे भी बड़ा एक अलग सा अटैचमेंट लगता है, एकदम लगता है कि हाँ यार क्या है, ये कितने क्यूट है दोनों, बस मैं तो ये चाह रही हूँ उन दोनों की शादी हो जाए। मेरी फ्रेंड लोग भी बोलती है वो लोग करें ना करें तुम पहले शादी करा दोगी उनकी। सो मैंने बहुत सारी प्लानिंग की है, जो मेरी बालकनी में जो झल्ला लगी है ना उसको निकाल के मैं लगाने वाली हूँ अपनी इस विंडो पे, वहाँ पर जो बेल है उसको ना मैं कुछ चेंज
चेंज करने वाली हूँ मैं अपने घर में। एंड दूसरी चीज़ के सोचना चाहिए कि अपना मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ना, उससे अच्छी भी पॉजिटिव वाइब भी आती है। एंड सेकेंड चीज़ कि घर में ना क्लीनिंग करती रहनी चाहिए, करती रहनी चाहिए, उससे ना वो एक वो रहता है क्या बोलते हैं, ज़्यादा गंदा नहीं रहता। तो घर की क्लीनिंग मैं पूरी रखती हूँ, बस कुछ कभी कभी बहुत टाइम हो जाता है, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मुझे, 11 साढ़े 11 बजे से घर में आके काम करना और 12:30 एक मतलब 1:15 बजे तक फ्री हो जाना, क्योंकि फिर उसको लेने निकलना है। और उसके बाद आके मुझे हिम्मत नहीं बचती कि मैं कुछ भी काम करूँ, वो घंटे में बस अपने आराम में बिताना चाहती हूँ, उन घंटों में उससे काम नहीं होता। ये मेरा कुछ भी काम करूँगी ना तो वह गंदा, तो झाड़ू पोछा भी गंदा हो जाएगा, इसलिए नहीं। और डाब मैं इसलिए अभी टैनी को रेगुलर पिलाने वाली हूँ, क्योंकि वो धूप में से आती है और उसको परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं उसको लगातार डाब पिलाऊंगी। अभी धूप बहुत परेशान करने वाली है भयंकर तरीके से। आप भी ध्यान रखिए, अपने बच्चे को ज़्यादा करके पानी पिलाइए, गर्मियाँ स्टार्ट होने वाले हैं, ज़्यादा पानी पियेंगे बच्चे फिट एंड फाइन रहेंगे, क्योंकि पानी कम पीने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ बन जाती हैं, लाइक टॉयलेट येलो होता है और बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम होती है। वो उनसे बचाने के लिए पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दीजिए, हो सके नारियल पानी अगर मिल जाए तो आपकी जाए तो रोज़ ही बच्चे को नारियल पानी पिलाइए। देखिए 20-30 रुपए में कुछ नहीं जा रहा है बच्चे की सेहत से बढ़ के, सो ये कीजिए। और चलिए मैं टैनी को लेके आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। क्या मिले हो? और तू भी तो डाब पी रही है, वाओ यम्मी लग रहा है। इसको मैं ग्लास में देती हूँ, नहीं पीती है। आज मैंने क्या किया, स्ट्रॉ मेरे पास रखे हुए हैं, इसमें होल किया और डायरेक्ट उसको ऐसे दिया, उसको अच्छा लग रहा है। ग्लास में दोनों नहीं पीती है वो, और मैं अभी ऐसे ही पी रही हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छी लग रहा है। अच्छा मछली मिला दो को। जल्दी से फिनिश करो, मम्मा का तो हो गया। अगर आपका बच्चा अभी क्लास में नहीं पीता तो ये से आजमा के देखिए, शायद क्योंकि इस तरीके से बच्चों को, हाँ ताली बजाओ, अगर ऐसे बच्चे करते हैं ना थोड़ा सा तो उनको मतलब अच्छा लगता है नई नई चीज़ें करना, तो आप इस तरीके से दीजिए। मेरी टैनी ग्लास में नहीं पीती है बिल्कुल भी, उसको उसके दूध वाले ग्लास में या उसको ऐसे ग्लास में तो नहीं पीती है, उसमें देखो आराम से पिए। अगर एक डाब भी आपका बच्चा अगर एवरी डे पीता है ना, बहुत फायदेमंद है ये आपके बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा हाइट ग्रोथ वेट एंड उसकी बॉडी सबके लिए बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए गर्मियों में डेली अगर आप एक पिला दें अपने बच्चे को, और लगे आता आप खुद भी पी लें। हाय बाय, मतलब बाय। पेटू भर गया? देखा नहीं, बस 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 अभी हम नीना करें, हम नीना करें, अब नीना करे, अभी ये सो के उठेगी तब इसको कुछ खिलाऊंगी, थोड़ी देर सुला, थोड़ी देर दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ। मम्मा ने बोला ना दे रही है। मम्मा आपकी मम्मा कैसी है? आपकी मम्मा कैसी है? अच्छी है टैनी की मम्मा। अच्छी है? सच्ची मुच्ची? ओह लव अच्छा, आई लव यू, love you, bye bye, love you, चलो ठीक है bye कर दो, bye bye, ठीक है bye guys, bye bye, बोलो bye guys, bye guys, बोलो कल मिलेंगे, ठीक है हम कल मिलेंगे ना, है ना, bye bye, गुजराती बोलते हैं ना, है ना, है ना, bye bye, मम्मी मम्मी, अच्छा आपने स्कूल में क्या किया था? पढ़ाई किया था। अच्छा हाँ, क्या पढ़ाई किया था स्कूल में? टैनी ने पढ़ाई किया था, नहीं मैं वो टैनी ने खाना खाया, खाना खा लिया, खा पूरा खाना खाया टैनी। अच्छा हाँ, टैनी ने मम्मी ने खाना खा लिया, उनके टैनी ने यहाँ पे कच्ची खिलिया था, बेबी को कच्ची खिलिया था हाथ में, मम्मा की कच्ची हो गया। देखो अपने मुंह से सच्चाई उगल दी, उसने कट्टी किया है आज, अभी 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 कट्टू नहीं करोगी ना? मम्मा के हाथ में उंगली कर, मम्मा को तो चोट लग गई, अभी मम्मा को तो चोट लग गई, अभी क्या करोगे आप? तू भी अभी अभी क्या करोगी? मम्मा की लग गई था, है ना, मैडम ने डांटा था,
हाँ। क्या बोला था मैम ने? मम्मा तेरे को डांटा था, मैं रोना था आंखों में, आंखों में आंसू लेके लो ली थी। हाँ। और ये मेरा बच्चा ठीक है, अब तेरे को बेल नहीं लेऊंगा। अच्छा अभी अभी काटोगे नहीं? अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक है, सब बातें झूठी है, सब बातें झूठी है, ठीक है, बाय बाय बोलो, बाय 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 बाय। मैं जमीन में बैठूंगा। जमीन पे क्यों बैठना है? ठंडा लग रहा है? ठंडा 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 ठंडा। मैं अब लूंगा नहीं, है ना? है ना? मैं अब लूंगा नहीं, है ना? ओके बाय 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 गाइस। अगर जरा सा भी हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, ताकि मुझे अच्छा लगे, मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों से और मैं और अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ इंटीमेट वॉश के बारे में। अब आप लोग सोचोगे इंटीमेट वॉश के बारे में कई बार बता चुकी हूँ, तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो लोग मेरे साथ नए जुड़ते हैं इसलिए मैं उन लोगों को बता दूं कि इंटीमेट वॉश दिखता कैसे है, वो आप पिक्चर में देख सकते हो। ये है एवरटीन का इंटीमेट वॉश। सो ये क्या हुआ करता है, ये एक जेल, मतलब एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में और जेल टाइप में, जेल मान लीजिए एक तरीके का यही होता है, येलो कलर का होता है। तो ये हमारा प्राइवेट स्पॉट जहाँ पे होता है, या लाइक में ना जो हमारे हाइजीनिक एरिया होते हैं, वहाँ पे अगर रैशेज हो जाते हैं तो ये उनकी उसको ठीक करने के काम में आता है। और लाइकली जिनकी थाइस बहुत हैवी होती हैं, या मैं ये नहीं कहूँगी मेरी हैवी नहीं है, बट फिर भी मुझे भी हो जाता है कभी कभार, इसका एक वॉश में ही आपका जो एरिया है वो इतना अच्छा रिलैक्स फील करता है, मतलब जो आपको प्रॉब्लम होती है वो यूँ छुटकी में चली जाती है। तो अगर आपको ये परचेज करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मैंशन कर दिया, तो प्लीज़ चेकआउट करना मत भूलेगा, एवरटीन का इंटीमेट वॉश। ओके okay?